लोकसभा चुनाव में ड्यूटी का हवाला देते हुए सेंट्रल बैंक प्रयागपुर में दोपहर में ही लटका दिया ताला। चुनाव ड्यूटी को लेकर बैंक के कर्मचारियों ने एक दिन पहले ही बैंक में ताला लटका दिया, जिसके कारण वहीं पर जब कई खाताधारक बैंक में जमा व निकासी के लिए बैंक पहुंचे तब देखा कि बैंक तो आज बंद है। इसकी जानकारी लेने के लिए जब फोन के माध्यम से आरएम से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि चुनाव में ड्यूटी लगी है जिसकी वजह से बैंक को बंद कर दिया गया है। तभी खाताधारकों ने कहा कि एक दिन पूर्व में ही बैंक बंद करने से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की अपील पर बैंक को खुलवाया गया जिससे सभी खाताधारकों ने बैंक में से कैश जमा किया तथा कैश भी निकाला। दोपहर में 1 बजे आया लगभग तो पता लगा कि बैंक बंद हो चुका है, यहाँ पर जमा निकासी नहीं हो रही आज चुनाव ड्यूटी के कारण। फिर वापस चले गए, बाद में आरएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है स्टाफ है, हम दूसरा बगल की ब्रांच से स्टाफ भेजकर बैंक फिर से खुलवा रहे हैं और बैंक का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जब दोबारा आए हैं बैंक पैसा लेकर तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिलहाल कैश की जमा निकासी नहीं हो सकती है, तो फिर वापस लेकर कैसे हम वापस जा रहे हैं। ऐसे में किसकी जो है कमी मानी जाए इसमें? अभी बैंक के प्रशासन की व्यवस्था है या उनको पहले से बोर्ड लगाना चाहिए कि कल बैंक बंद रहेगा, सबकी चुनाव ड्यूटी है तो जिसको जो जरूरी काम होता है निपटा लेते हैं, या फिर दोबारा बैंक को दोबारा खोलने का मतलब क्या है, फिर किस लिए खोला गया? इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी बैंक को देखना चाहिए कि आगे बैंक की कार्यप्रणाली किस तरीके से जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े और खाताधारकों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लर्न इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने, एडमिशन ओपन।